यहाँ से हम चलेंगे फाउंडिंग म्यूजियम, लेकिन ये कौन सा म्यूजियम है? जेम्स बॉन्ड के ओरिजिनल गाड़ियों को। हेलो, नाइम इन लंदन को स्वागत है। मेरा नाम लूसी कौसर और ये है नाइम कौसर। तो बहुत दिनों से हम सोच रही थी कि हम आपको दिखाएंगे एक लंदन वॉक और आप लोग हमारे साथ लेके जाएंगे और इस वॉक पर हम आपको दिखाएंगे म्यूजियम माइल। तो इसमें है 12 म्यूजियम्स और वो सब एक ही माइल में है और एक माइल के अंदर है बेसिकली। तो 12 म्यूजियम्स हैं। हाँ, I don't know. I will complete or not. चले हमारे साथ। चले क्या? इनका प्रपोजल है तो एक हम लोग वॉक करते हैं और आपको दिखाते हैं वो सारे म्यूजियम्स। बहुत दिनों का प्लान, आज कंप्लीट होगा। इस वक्त आ चुके हैं हम लोग ये ब्रिटिश लाइब्रेरी के सामने और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी कहलाता है। इसके अंदर लगभग 20 करोड़ के आसपास जो है डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये जो है इसका बिल्डिंग है और लंदन में लगभग जितना भी पब्लिकेशन निकलता है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या मैगजीन्स हो, उसकी एक कॉपी तो यहाँ कम से कम होती ही होती है। और यहाँ से निकल के हम लोग चलेंगे, अभी कहाँ जाएंगे हम लोग लूसी? वेलकम कलेक्शन। हम लोग आ गए यहाँ पर, ये है वेलकम कलेक्शन। ये बेसिकली एक म्यूज़ियम है जो मेडिसिन, हिस्ट्री और लाइफ को एक साथ जो है जोड़ता है। तो काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है ये। हाँ, इसमें एक बहुत ही बेहतरीन लाइब्रेरी, मतलब पार्ट म्यूज़ियम है पार्ट लाइब्रेरी है और बहुत ही पॉपुलर इसमें एक रेस्टोरेंट भी है। आसपास के सारे लोग आते हैं यहाँ चाय पीने या जो भी अपना। तो ये वो काफ़ी खूबसूरत म्यूज़ियम है, ब्रिटिश लाइब्रेरी से 500 मीटर भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। और ये म्यूज़ियम पूरी तरीके से फ्री है। तो वेलकम कलेक्शन के ठीक पीछे, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ के आप कर लें तो उसके पीछे जो है पूरा UCL का कैंपस है और इसी में एक यहीं पे है पास में म्यूज़ियम। चार पांच मतलब बड़े वाले। ये जबरदस्त लग रहा है लूसी। नहीं, बुक शॉप है ना, ये बहुत ही बड़ा बुक शॉप है। इतना बेहतरीन डिस्प्ले इनका आपको दिखेगा हर बार न्यू कोई भी बुक लॉन्च होता है। तो हम लोग बेसिकली जो है यूनिवर्सिटी जो है UCL उसके बाउंड्री के बाहर वॉक कर रहे हैं और ये चूंकि देखिए लॉकडाउन की वजह से बंद है, आप जा नहीं सकते अंदर, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो आपको ये यहाँ पे आपको एक पोट्री म्यूज़ियम दिख रहा होगा और ये बेसिकली ये इजिप्शियन एंड आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम है। हाँ, अब आप देखिए कितना बेसिकली पोर्शन ना, द टी पॉइंट है, वो सामने टी पॉइंट है, वहाँ पे म्यूज़ियम ब्रिटिश म्यूज़ियम है। यूनिवर्सिटी कैंपस में जो है कई जगह पे कोरोना वायरस टेस्टिंग कैंप है, तो जितने भी एसिम्प्टोमेटिक हैं उनके लिए ये टेस्ट ऑफिस है। दैट यूनिवर्सिटी वन ना। चलो पहले ब्रिटिश म्यूजियम से पहले हम लोग जरा
ये भी एक यूनिवर्सिटी का एक म्यूज़ियम है, इसका नाम है ब्रुनाई गैलरी। ये पूरा जो बिल्डिंग है ये ब्रुनाई गैलरी को डेडिकेटेड है और यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पे एग्जीबिशंस लगते हैं यहाँ पर। और इसके ऊपर छत पे एक जापानीज रूफ गार्डन है। आई कैन रीड देयर एग्जीबिशन गैलरीज, फॉयल स्पेशल कलेक्शन गैलरी एंड जापानीज रूफ गार्डन। तो अब यहाँ से निकल के हम लोग चलते हैं ब्रिटिश म्यूजियम। तो ये हम लोग आगे ब्रिटिश म्यूजियम और ये साइट का व्यू है और हम लोग सीधे अभी चलेंगे इस तरफ जिस साइड इसका मेन गेट है। तो ये आ गए हम लोग ब्रिटिश म्यूजियम के मेन गेट की तरफ। और ब्रिटिश म्यूजियम वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे पहला पब्लिक म्यूजियम है जो कि 1753 में इसी जगह पर ये खुला था। अभी थोड़ा खराब लगता है ना, क्योंकि तो बहुत मतलब इस पूरे लॉकडाउन में पिछले एक साल से ब्रिटिश म्यूजियम जो है सिर्फ रेनोवेशन का काम ही कर रहा है आप देखें अगर तो। पर अगर आप करेंगे ना तो अभी के टाइम सबसे अच्छा है ना। तो ये देखिए आप जब वो बंद होते पूरी तरीके से बंद है क्योंकि उस पर रेनोवेशन चल रहा है। तो उन्होंने एक बैनर्स प्रिंट करा के वो लगा रखा है जो कि दिखाए कि क्या है इसके पीछे। और जब ये खुला था तो भी ऐसा ही था, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जब पहली बार ये म्यूजियम खुला था लॉकडाउन के बाद। ये आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इसको। हर साल 6 मिलियन और 2 मिलियन का हिस्ट्री है आप इसके अंदर चाहें। 2 मिलियन की हिस्ट्री आप इस म्यूजियम में देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्ल्ड के फेमस जितने भी कलेक्शन हैं ना उनमें से जो फेमस कलेक्शन में से इम्पोर्टेंट वाले यहाँ हैं। इसमें रोसेटा स्टोन है, विजिट करने आते हैं तो पार्थनन स्कल्पचर है, इजिप्शियन ममीज है, इन लोगों को मिस नहीं करना है। उन्होंने लिस्ट बनाया था कि यहाँ से हम लोग चलेंगे फाउंडिंग म्यूजियम, लेकिन यहाँ से कोवन गार्डन बहुत पास है और टूरिस्ट के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कोवन गार्डन। ये जो एरिया है बेसिकली कहलाता है म्यूजियम स्ट्रीट। अब पता नहीं इसमें कितने म्यूजियम हैं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इससे आइडिया आपको लग जाएगा कि यहाँ पे कितने ज़्यादा म्यूजियम्स हैं और म्यूजियम कितना कॉमन है यहाँ पर। इसे हम लोग सीधे चल रहे हैं लूसी कार्टून म्यूजियम। तो अभी कार्टून म्यूजियम है देखिए यहाँ पे। Happy song. That's a very good name, na? Oh, you see, you are the kind of person. Yeah, yeah. Oh God. Yeah. All look like very nice, fancy house, na? Yeah. Georgian style. Who will take this one? Will you carry this kind of bag? तो 5 मिनट के वॉक के बाद हम लोग आ चुके हैं ये कोवन गार्डन के ट्यूब स्टेशन के पास। आगे हमारा ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। हाँ, ये रहा सामने ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, लंदन ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। इस म्यूजियम में अगर आपको लंदन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जानना है या फिर पहला जो स्टीम इंजन था वर्ल्ड का ही कहिए, सबसे पहला जो स्टीम इंजन था उसको देखना है। और इसमें ही हम ओरिजिनल आर्टवर्क, एडवर्टाइजिंग पोस्टर्स, पुराना मास्टर बस। अच्छा हाँ, जेम्स बॉन्ड के ओरिजिनल गाड़ियों को देखना है तो भी आप यहाँ आकर देख सकते हैं। इसके बाद लूसी कौन सा? फ्रीमेसन म्यूजियम। यहीं पे पास में है ना? हाँ, वो पास में है। Huge building, Lucy. Yeah. Yeah, museum, eh? I think this is an important museum. What do you think? Oh, cool. Yeah, which museum, eh? What famous museum is this?